नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में 14,500 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उड़ीसा के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का हमारा संकल्प आज एक और अहम पड़ाव पर पहुंचा है। शिक्षा के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से ध्यान दे रही है। इसी भावना के साथ खोरधा भुवनेश्वर में बने ईएसआईसी अस्पताल में हुए विस्तारीकरण का काम भी पूरा किया जा चुका है। राजस्थान में आज कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल बन गया। राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह की मौजूदगी में 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में 60% अशोक गहलोत के समर्थक हैं तो 40% पायलट को पसंद करते हैं। मंत्री बनने वालों में बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, परसादी लाल मीणा, मास्टर भवनलाल मेघवाल, लालचंद कटारिया, डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमोद जैन भाया, विश्वेश्वर सिंह, हरीश चौधरी, रमेश चंद्र मीणा, उदय लाल अंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, साले मोहम्मद शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्का जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मन आज भी नहीं मानता कि अटल जी हमारे बीच में नहीं है। राजनीतिक मंच से करीब एक दशक दूर रहने के बावजूद भी देश ने इतने शानदार तरीके से उन्हें विदाई दी वो काफी खास है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का 95वां जन्म दिवस है। ऐसे में केंद्र सरकार इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा निकलेगी या नहीं, इस बात का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने बीजेपी की इस यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हालांकि इस मामले की सुनवाई कब होगी इस बात पर स्पष्टता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक जावेद राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया है। कल जम्मू कश्मीर में पुंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए राणा ने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो कि सनातन धर्म है। अगर प्रधानमंत्री मोदी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो उन्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर नरेंद्र मोदी इस्लाम को जानेंगे तो देश में अमन और शांति आएगी। अब तक सिर्फ साधु संत और संघ ही राम मंदिर पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लोगों ने घेर लिया। प्रयागराज में युवा कुंभ में राजनाथ के भाषण के बीच ही लोगों ने मंदिर को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि जो मंदिर बनवाएगा वोट उसी को जाएगा। हालांकि इस दौरान दोनों ने लोगों को अपने भाषण से समझाने की काफी कोशिश भी की। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान एक जवान की मौत हो गई जबकि 34 घायल हो गए। बताया जा रहा है सुबह लगभग 8:45 पर रामबान जिले में खूनी नाले के पास पुलिस का वाहन फिसल कर खड्डे में जा गिरा। इलाज के लिए घायल जवानों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरा भी झेल रहा है। घने कोहरे के कारण हरियाणा के झज्जर में आज सुबह एक हादसा हो गया। रोहतक रेवाड़ी हाईवे पर करीब 50 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 71 पर हुआ। बताया जा रहा है हादसे के बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क बोगी व्हील पुल से गुजरने वाली पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पुल की आधारशिला साल 1997 में उस समय के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रखी थी। पुल की सबसे खास बात यह है कि 2 मंजिला पुल पर ट्रेन के साथ साथ बसें भी दौड़ सकती हैं। 4.94 किलोमीटर की लंबाई वाला बोगी व्हील पुल असम के दिब्रूगढ़ से ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट के धेमाजी जिले को जोड़ता है। अब आपका पुराना एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा। 31 दिसंबर के बाद से ये ब्लॉक हो जाएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी बैंकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप वाली काली पट्टी वाले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को EMV यानी यूरो मास्टर कार्ड और वीजा आधारित चिप से बदलना होगा, यानी पुराने ATM कार्ड बदलकर उनकी जगह EVM चिप वाला नया डेबिट कार्ड आपको इस्तेमाल करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2018 है। नए कार्ड के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक की ब्रांच में जाकर भी नया कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि SBI बैंक ये कार्ड आपको फ्री में दे रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 29 मार्च को खत्म होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेंगी। खूबसूरत ऐश्वर्या राय बच्चन मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में बतौर चीफ गेस्ट पहुंची। यहां उन्होंने स्पेशल बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए चीयर भी किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को GQ मैगजीन 2018 का सबसे स्टाइलिश शख्स का अवार्ड दिया गया है। अवार्ड की खुशी प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर जाहिर की है। इस तस्वीर में प्रियंका पति निक को किस करती दिख रही हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, ग्रह के सबसे स्टाइलिश शख्स को किस करते हुए बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूं। आपको बता दें, GQ मैगजीन के स्टाइलिश अवार्ड में निक ने 64 लोगों को हराने के बाद यह खिताब हासिल किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।